आज ही के दिन 1293 में जापान के कामाकुरा में आए भूकंप में 30,000 लोगों की मौत हुई। 1378 में आज ही के दिन दक्षिण भारत के दक्कन प्रांत के शासक बहमनी सुल्तान दाऊद की हत्या हुई। 1498 में आज ही के दिन भारत के समुद्र मार्ग की खोज के बाद पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट अब कोझिकोड तक पहुंच गया। आज ही के दिन 1609 में विलियम शेक्सपियर की कविताओं के पहले संग्रह का लंदन में प्रकाशन हुआ। आज ही के दिन 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंगी का किला जीता। 1873 में आज ही के दिन सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जैकब डेविस को इसी दिन जींस बनाने का पेटेंट दिया गया। दुनिया की पहली जींस लेवी स्ट्रॉस ने बनाई थी। आज ही के दिन 1900 में हिंदी साहित्य के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। 2009 में आज ही के दिन क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका से आज़ादी मिली। टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1923 में आज ही के दिन स्टेनली बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 1927 में सऊदी अरब को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। 1932 में आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिपिन चंद्र पॉल का निधन हुआ। आज ही के दिन 1965 में कमांडर M.S. कोहली के नेतृत्व में पहला भारतीय दल माउंट एवरेस्ट सम्मेलन में पहुंचा। 1972 में आज ही के दिन ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही का निधन हुआ। 1972 में ही आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूसरे हावड़ा ब्रिज का शिलान्यास किया। 1990 में आज ही के दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से पहली तस्वीरें भेजी। और आज ही के दिन 2012 में प्रसिद्ध मानव विज्ञानी एवं नारीवादी विद्वान लीला दुबे का निधन हुआ था।